ये भैया काफी मेहनत किए, काफी खतरनाक स्टैंड किए, हमें जो काफी अच्छा लगा, तो हम इनको इनाम स्वरूप ये 50 रुपया भैया को देते हैं। जो हम तो काफी अच्छा लगा, ये भैया ये कार और ये बाइक से अपना ये स्टैंड दिखाते हैं जो काफी खतरनाक देख रहे हैं आप। तो बहुत मजा आ रहा है, चारों तरफ लग रहा है, यह वीडियो भी बनाना मुश्किल हो जा रहा है। तख्ते के मालिक हैं, तो जानते हैं इनसे क्या रेट है। तो अंकल जी काहे का तख्ता भाई, किस लकड़ी का? आम का है। तो क्या क्या प्राइस है? अलग अलग प्राइस है सबका, अलग हर डिजाइन पे। तो दोस्तों स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं यहाँ पर, दुनिया का मेला बोलते हैं इसको, पारा बाजार से जस्ट पहले है अगर हम मुसाफिर खाना से आ रहे हैं। तो हमने अपनी पार्किंग यहाँ पर लगा दी है, तो जानते हैं यहाँ पर पार्किंग का क्या चार्ज है दोस्तों इनके मालिक से। तो अंकल पार्किंग का कितना चार्ज है एक गाड़ी का? 10 रुपया बाइक का, और कार आएगी तो? कार आएगी तो वो भी 10 रुपया। अच्छा साइकिल का? साइकिल का 5। कितने घंटे के लिए? घंटे तो 6 घंटे 8 घंटे तक, जितना देर रहना चाहो। एक दिन के लिए 10 ही रुपया है दोस्तों। तो चलते हैं मेले की तरफ और आपको वहाँ का सारा एंजॉयमेंट दिखाएंगे क्या कैसे है। यहाँ पे काफी बड़ा मेला बोलते हैं दोस्तों इसको, ये अमेठी जिले के और सुल्तानपुर जिले के बॉर्डर पे है इसौली, तो यहीं पर दोस्तों लगता है ये। तो चलते हैं मेले में और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है। और यहाँ पे जैसे कि दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जादूगर वगैरह भी दिखाते हैं, तो चलो हम देखते हैं आगे। दोस्तों हम मेले के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी आपको, इधर जलेबी की दुकान, इधर चाट वगैरह की दुकान। तो काफ़ी भीड़ है, अभी ये बसंत पंचमी से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जलेबी वगैरह की दुकानें आपको दिख जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी दुकानें दिख जाएंगी, खाने पीने के तो काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर, जैसा कि देख रहे हैं चाट की और जलेबी की दुकानें यहाँ पर काफ़ी दिख जाएंगी आपको। दोस्तों हम आ गए हैं मेले के उस जगह पर जहाँ पर ये झूलों का है, बच्चे काफ़ी इंजॉयमेंट कर रहे हैं जैसा कि देख सकते हैं आपको, ये यहाँ पर बच्चों के लिए आदमी भी यहाँ पर झूल सकते हैं। इसका दोस्तों जहाँ तक कि हम बताएंगे किराया 20 रुपया है दोस्तों, 20 रुपया में आप काफ़ी अच्छा यहाँ पर इंजॉयमेंट ले सकते हो, ये भी देख सकते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए ये भी है। तो इसका चार्ज कितना है एक आदमी का? 10 रुपया। तो दोस्तों ये 10 रुपये में आप घूम सकते हो यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चों को भी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों हमने टिकट ले लिया 20 रुपये का, 3 लोग हैं, 60 रुपये लगा है, चलते हैं इसका मज़ा लेने, इंजॉय लेने। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो दोस्तों चलते हैं ऊपर और लेते हैं एंजॉयमेंट यहाँ पर। तो दोस्तों हमारी ये कार चल पड़ी है ये झूले का आनंद लेने के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है, चारों तरफ घूम रही है जैसा कि देख रहे हैं आप। तो बहुत मज़ा आ रहा है, चारों तरफ लग रहा है, यह वीडियो भी बनाना मुश्किल हो जा रहा है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, दिख रहा है लोगों में काफ़ी खुशी दिख रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है सबको यहाँ पर, और काफ़ी खुश है ये रहे भाई साहब हमारे, काफ़ी खुश लग रहे हैं ये भी, ये रहे। तो दोस्तों अब तो बहुत तेज चलने लगा है, क्या बताएं, बहुत तेज घूम रही है, अगर पकड़ेंगे नहीं तो शायद गिर भी सकते हैं हम। तो यहाँ पर बहुत तेज चला दिया इन्होंने, बहुत तेज दिख रहा है जैसा कि हम, लग रहा है गिर जाएंगे, और बहुत तेज ये चलते हुए देख रहे हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, बहुत तेज चल रहा है ये, करीब 40-50 की रफ्तार में ये चल रहा है, बहुत तेज दिख रहा है, मोबाइल भी पकड़ना मुश्किल हो जा रहा है। तो इस झूले का आनंद लिया, काफी अच्छा लगा। तो यहाँ से अब चलते हैं नीचे और किसी और झूले के पास, जो पीछे झूला दिख रहा होगा आपको, तो हम वहाँ ले चलेंगे। ये बढ़ने के बाद हमें एक झूला और मिल गया है, ये वाला जो 180 के कोण में घूमता हुआ है, काफ़ी अच्छा है। अगर इसकी टिकट की बात करें दोस्तों, तो टिकट पूछते हैं कितने का है, टिकट कितने का है? टिकट 40 रुपया। तो दोस्तों इस झूले का टिकट 40 रुपया है जो यहाँ पर मिल रहा है। और उससे आगे चलेंगे तो दोस्तों ये झूला जो हर जगह गाँव में भी लगा रहता है मेले में, तो मेले का काफ़ी अच्छा आनंद लेते हुए यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे बड़ा झूला ये वाला है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो इसका टिकट भी हम जानेंगे आगे चलकर कितने का। तो दोस्तों ये झूला भी चालू नहीं हुआ है शायद, अभी यहाँ पर कोई है नहीं, तो टिकट के बारे में हम ज़्यादा बता नहीं सकते हैं।
और यहाँ पर शोरगुल भी बहुत है, शायद मेरी आवाज कम आ रही हो। तो यहाँ पर एक चीज और दिखा है हमें शॉटगन का, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो निशाना लगाया जाता है बंदूक से। तो यहाँ भी चलते हैं, देखते हैं गुब्बारे में निशान लगाने वाला है कितने का है अंकल। ये 20 रुपये का 6, तो 20 रुपये में 6 आपको शॉट मिलेंगे, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो और आगे चलते हैं यहाँ पर, और भी दिखाते हैं आपको। एक और मिला है दोस्तों, ये घुमाने वाला, जिसका रेट अगर की बात करें तो 10 रुपया है दोस्तों। 10 रुपया में आप यहाँ पर घूम सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और फुल्की दिखा है यहाँ पर, इंजॉयमेंट में पूरा। और ये बच्चों को घूमने वाला है सर, यहाँ पर पूछते हैं कितने का भैया, कितना चार्ज है इसका? 20 रुपया। तो दोस्तों यहाँ पर 20 रुपया में ये कूदने वाला बच्चों का देख सकते हैं आप, जो काफी अच्छा है काफी। दोस्तों यहाँ पर मौत का कुआं जो होता है मेले में, यहाँ का प्रसिद्ध ये खेल है। तो चलते हैं यहाँ पर, 20 रुपये की टिकट में आप देख सकते हैं दोस्तों, टिकट ले लिया है, चलते हैं। तो दोस्तों टिकट वहां पर ले लेते हैं, तो चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं मौत का कुआं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी लोग यहां पर आए हैं इस मौत के कुएं को देखने के लिए। तो हम भी चलते हैं और देखते हैं यहां पर कैसे क्या होता है। हम जो कई बार देख चुके हैं, आपको दिखाने लाए हैं दोस्तों। यहाँ पर ये इस तरह का कुआँ होता है, जिसमें बाइक भी है और मारुति भी है। तो ये अभी चलाएँगे, जब यहाँ पर सारी सीटें फुल हो जाएंगी यहाँ पर देखने वालों की, तो कुछ देर में अभी चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मेला 1 महीने के लिए बसंत पंचमी से स्टार्ट हो जाता है, जो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। यहाँ पर लकड़ी और फर्नीचर की सामान भी मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तख्त वगैरह, आपको बेलन वगैरह मिल जाएंगे, जो यहाँ पर काफ़ी सस्ते होते हैं दोस्तों। यहाँ पर मेला क्षेत्र दोस्तों काफ़ी बड़ा हुआ है, हम बात करेंगे तो जहाँ तक कि यहाँ तक भी फैला हुआ है दोस्तों। और इधर लकड़ी के सामान मिल जाएंगे आपको काफ़ी अच्छे और सस्ते दामों में, और इधर झूले वगैरह मिल जाएंगे आपको दोस्तों। ये झूला पारा और इसौली के बीच में लगता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि शुरू हो गया ये मौत का कुआं का खेल, देख सकते हैं एक आदमी ऐसे बाइक चला रहा है, ये 360 में अपनी बाइक को चलाता है, वो भी हैंडल के बिना छोड़ के, ये हमारे बगल से गुजरता हुआ देख सकते हैं आप। देखोगे ये कार इस मौत के कुएं में चलेगी, तो कार के लिए बने रहिएगा दोस्तों, एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस कार को देखने से पहले। जैसा कि
हमारे पास से गुजरती हुई काफी है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये स्टंट कर रहे हैं, काफी देख रहे हो कैसे स्टंट कर रहे हैं इस कार के माध्यम से, जो कितना डरावना हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मजा आया, काफी इंजॉयमेंट आया। 30 रुपए का खेल है दोस्तों ये, आप देख सकते हो काफी कितना खतरनाक स्टंट करते हैं। यही पर समाप्त होता है दोस्तों, चलते हैं कहीं और। भाई साहब स्टंट कर रहे थे, इनसे मिलते हैं। क्या नाम है भैया आपका? है राहुल नाम है भैया का। एक मिनट भाई आगे कर लेते हैं। राहुल नाम है, तो ये स्टैंड करते हो, आपको डर नहीं लगता? कितने दिन ऐसे कर रहे हो? 7-8 साल हो। अच्छा, ये दोनों कार और बाइक आप ही चलाते हो और कोई नहीं? अच्छा लगता है आपको, बस यही रोजी रोटी है आपकी? तो कितने दिन ऐसे यहाँ पर आए हो आप? 4 साल से। 4 साल से हो आप? तो दोस्तों देखो कितना स्टंट खतरनाक करते हैं, काफी अच्छा लगता है दोस्तों। तो ये भाई, तो दोस्तों ये भैया काफी मेहनत किए, काफी खतरनाक स्टंट किए, हमें जो काफी अच्छा लगा, तो हम इनको इनाम स्वरूप ये 50 रुपये भैया को देते हैं, जो हमें काफी अच्छा लगा भैया। कुछ हमारे आप इतना करते हो यार, कैसे करते हो ये थोड़ा बहुत और बताइए। बस सुना रहे हैं, बस इसी में सीखे हैं। अच्छा, इसी में सीखे, इसमें अच्छा लगता है आपको? तो यही एक महीना तो यही रहोगे आप ना, इसके बाद जैसे ये हर मेला तो हर समय नहीं रहेगा, तो कैसे फिर कैसे रोजी रोटी चलेगी? फिर हर जगह दूसरी जगह मेला लगेगा। अच्छा, दूसरी जगह मेला लगता है, वहाँ पे ये भैया करते हैं। तो काफी अच्छा लगा ये भैया ये कार और ये बाइक से अपना ये स्टंट दिखाते हैं, जो काफी खतरनाक स्टंट है। लेकिन भैया कह रहे हैं कि हमारा ये रोजी रोटी है, हमारे कर्तव्य है, और इस ये इनकी प्रैक्टिस है दोस्तों, जो ये कर पाते हैं। काफी अच्छा लगा हमसे बात की भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम क्या बताया था आपने? राहुल नाम बताया था भैया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं दोस्तों कहीं और, से काफी अच्छा लगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें जादूगर का एक मिल गया है, ये शो यहाँ पे चल रहा है। बात करेंगे, 10 रुपया दोस्तों यहाँ पे लगता है, 10 रुपया में आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफी अच्छा है यहाँ पर। तो दोस्तों आगे बढ़ने पे हमें मिल गया हर माल 10 रुपया, तो काफी सूटेबल है, अच्छा है दोस्तों। यहाँ पर 10-10 रुपये में हर सामान आपको मिल जाएंगे, देख रहे हैं यहाँ पर ये 10 रुपया वाली सारी आइटमें देख सकते हैं। यहाँ पर काफी लोग आते हैं, काफी अच्छा लगता है यहाँ पर। 10 रुपया में हर खिलौने, हर चीज के आइटम यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों इस कटोरी की, और यहाँ पर ये सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ पर सजाने के काम या खाने पीने के काम आ सकती हैं, जो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर हर माल 10 रुपया है दोस्तों। ये दिल वाली कटोरी की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, 10-10 रुपये में है दोस्तों यहाँ पर, जो हमें लेना चाहिए, हमारे घर को सजाना चाहिए।
पर दोस्तों हमें हर माल 40 रुपया का बोर्ड दिखा है, यहाँ पर हर माल 40 रुपया, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो हर माल 40 रुपया में है। बंदूक वगैरह खिलौने वगैरह की बात करें दोस्तों तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आ सकते हैं देख सकते हैं हर माल 40 रुपया में, आप देख सकते हैं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो मेले का इंजॉयमेंट जरूर लें। हर माल 99 रुपया, हर तरह के बोर्ड लगे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बंदूक वगैरह और ये खिलौने वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर चूड़ी की बात करें दोस्तों तो काफ़ी हर माल इधर 50 रुपये का बोर्ड दिख जाएगा आपको दोस्तों। यहाँ पर ज़्यादातर खिलौने और उसकी मार्केट है दोस्तों। यहाँ पर बैडमिंटन वगैरह की बात करेंगे और ये खिलौने की जहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप आ सकते हैं और देख सकते हैं, यहाँ पर हर तरह की हर चीज़ें मिल सकती हैं यहाँ पर। यहाँ पर परफ्यूम वगैरह सेंट वगैरह भी देख सकते हैं आपको, और इस साइड में आपको गुब्बारे दिख जाएंगे दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। हर डिज़ाइन हर कलर में मिल जाते हैं, हर प्राइस में है, यहाँ पर 10 रुपये से लेके 20 रुपये 50 रुपये तक दोस्तों। यहाँ की ये प्रसिद्ध मिठाई है, क्या बोलते हैं भैया इस मिठाई को, हलवा सोहन पापड़ी है दोस्तों। क्या रुपये किलो होगी अंकल है? 220 रुपये किलो दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगी। इसको क्या बोलते हैं अंकल? बेसन का है दोस्तों। क्या रेट है इसका? 160 रुपया किलो है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर। ये यहाँ की प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं जैसा कि यहाँ पर है, ये अंकल जी यहाँ पर बेच रहे हैं, और काफ़ी बड़ी मेला है दोस्तों। चारों तरफ यहाँ पर ये मिठाइयाँ जहाँ पर ये लगती हैं उसका देख सकते हैं आप, और काफ़ी यहाँ पर तरह तरह की मिठाइयाँ देखने को मिल जाएंगी जैसा कि यहाँ पर चारों तरफ जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मिठाइयाँ, चाट, जलेबी, खिलौने की बात करें दोस्तों, हर तरह के हर डिज़ाइन के यहाँ पर कपड़े वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, और हर माल जैसा कि यहाँ पर 10 रुपया बोर्ड दिख गया, फिर यहाँ पर ये माल 10 रुपया पर है, और इधर की बात करें तो अलग अलग प्राइस हैं दोस्तों। ये बैट वगैरह है भाई साहब बेच रहे हैं, और इधर पर औरतों के कॉस्मेटिक से संबंधित क्लेचर वगैरह मिल जाएंगे आपको जो काफ़ी अच्छे प्राइस में होंगे दोस्तों। तो अच्छा है यहाँ पर दोस्तों, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। हर माल 5 रुपया पिट्ठू बैग, भाई साहब ने लिखा हर माल 5 रुपया, और पिट्ठू बैग का रेट अलग है, तो पिट्ठू बैग जो लगाया है उसको मत समझना आप, पिट्ठू बैग का रेट अलग है यहाँ पर, तो उसको हर बैग का अलग अलग प्राइस है यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट देख सकते हैं यहाँ पर, घड़ी वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएंगी, और चश्मे की बात करें दोस्तों यहाँ पर चश्मा भी मिल जाएगा, और घर को सजाने के लिए काफ़ी अच्छा सामान मिल जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। हर माल 10 रुपया का बोर्ड काफ़ी दिखा हमें, 10 रुपया 50 रुपया जो यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। हर तरह तरह की आइटमें हैं यहाँ पर, तरह तरह के गैलरियों में सारे सामान बिकते हुए यहाँ पर देख सकते हैं आप, और यहाँ पर औरतों के लिए ये कंगन वगैरह, चूड़ी वगैरह है जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। तो यहाँ पर सस्ते जूते, जस्ट सस्ते सैंडल भी दिख जाएंगे आपको, काफ़ी अच्छे मार्जिन में मिल जाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये जो टैटू बनवाया जाता है, यहाँ पर टैटू भी बनता है हर तरह के, हर कलर, हर डिज़ाइन पे। तो दोस्तों जैसे कि ये टैटू बना रहे हैं PR का, पूछते हैं इनसे कितना इसका रेट है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर 20 रुपये पर अक्षर है, अगर आप कलर लिखवाते हैं तो 30 रुपये अक्षर पड़ जाएगा। और यहाँ पर कई तरह की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जैसे कि ये जूते चप्पल की वगैरह की दुकानें तो अभी आपको दिखाई थी, और चलते हैं आगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर ब्रेसलेट वगैरह, माले वगैरह, और आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर घर से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर किचन बम्पर सेल, हर माल काला कर दिया है वहाँ पर, दिख नहीं रहा है यहाँ पर हर चीज़। यहाँ पर स्टेशनरी से संबंधित दोस्तों, जर्नल स्टोर से संबंधित सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। औरतों और से संबंधित ज़्यादा लेडीज़ पर्स वगैरह की चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, और देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के खिलौने भी हैं यहाँ पर, काफ़ी चीज़ें खिलौने की काफ़ी दुकान दिखे दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पर दिख गया जो बक्सा बनाते हैं, ये भाई साहब यहाँ पर बक्से वगैरह बना रहे हैं यहाँ पर। अभी दोस्तों हम मेले के स्टार्ट में आए हैं तो अभी यहाँ पर बक्सा बनाना स्टार्ट हुआ है, तो अभी इधर बात करेंगे दोस्तों तो कुछ बक्से बने बनाए रखे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इनके प्राइस भी हम जानेंगे, लेकिन पहले चलते हैं भैया से, लकड़ी का कुछ सामान बेच रहे हैं इनसे जानते हैं। भैया ये पार्ट कैसे है? पार्ट कैसे है वाली? हाँ ये 150 रुपये का, वो वाला नीम की लकड़ी का बता रहे हो, वो उधर के 250-250 के दोस्तों मिल जाएंगे आपको, तो काफ़ी सस्ता है यहाँ पर। और लकड़ की बात करेंगे दोस्तों तो ये जैसे कि दोस्तों हम भैया के पास आ गए हैं और इनसे जानते हैं यहाँ का रेट। तो भैया इसका रेट क्या है जो माठा मारा जाता है? ये हाँ 40 रुपये है। 40 रुपये। और ये पेड़ा का? ये वाला हाँ ये 150 रुपये का है, ये 100 रुपये का है। अच्छा ये बेलन का? ये बेलन का 30 रुपये का है।
अच्छा उसके साथ नहीं आएगा? उसके साथ दोनों के? हाँ दोनों के ले लो। अच्छा ये दोनों पे 130। ये लकड़ वाला बेलन? लकड़ वाला पीड़ा बेलना 100 रुपए का है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर काफी सस्ता है ये, इसकी बात करें तो इसको क्या बोलते हैं भैया? ये मूसर बोलते हैं। मूसर क्या रेट है इसका? 150 रुपए का। 150 रुपए का। और ये जो रामायण रखने वाली है ये 80 रुपए की है, 60 रुपए की है, छोटा बड़ा साइज होगा। अलग अलग साइज में दोस्तों मिल जाएंगे आपको, जैसे कि अगर वो खाट की बात करें भैया तो जो पीछे है खाट की बात है 500 रुपए की है दोस्तों, वो 500 रुपए की है। और ये चूहेदानी की बात करें भैया तो चूहेदानी 60 रुपए की है। 60 रुपए में मिल जाएगी दोस्तों, तो काफी यहाँ पर अच्छा है, काफी सस्ता मिल जाएगा आपको, ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर खाट की पाट काफी यहाँ पर मिल जाएंगी, और आगे बढ़ेंगे तो लकड़ के काफी सामान मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर हमें लोहे की दुकान दिखी है तो यहाँ पर काफी कढ़ाई वगैरह, तो दोस्तों यहाँ पर लोहे की कढ़ाई वगैरह, कलछुल वगैरह, और ये सब्जी चलाने वाला भी मिल जाएगा आपको, चिमटा वगैरह मिल जाएंगे, तो काफी सस्ते यहाँ पर काफी सुटेबल दामों में मिल जाएंगे दोस्तों। कढ़ाई की बात करें दोस्तों तो भैया से भी जानते हैं, भैया कढ़ाई कितने की होगी ये सब? 120 रुपये किलो। अच्छा किलो के हिसाब से है सारी चीजें यहाँ पर, किलो के हिसाब से, तो ये भी किलो के हिसाब से मिलेगा भैया सारी चीजें यहाँ पर भैया किलो के हिसाब से है, तो क्या रेट है इनका किलो के हिसाब से अब बात करें तो? 120 चल रहा है। 120 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर लोहे के सारे आइटम दोस्तों आपको मिल जाएंगी, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं भैया, तो देखते हैं यहाँ भाई काफी दुकानें हैं लकड़ की, तो आप देख सकते हैं। अगर हम पलंग दिखाना चाहेंगे दोस्तों, इधर पलंग है, डबल बेड की बात करेंगे, सिंगल बेड की बात करेंगे, तो क्या कैसे क्या प्राइस है इनसे जानते हैं भैया से, दुकानदार से। तो दोस्तों डबल बेड की बात करेंगे तो ये 13,000 में मिल जाएंगे आपको, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, इधर के सारे डबल बेड के सारे बेड हैं दोस्तों। और सिंगल बेड की बात करें दोस्तों तो 6,000 के लगभग मिल जाएंगे, बार्गेनिंग भी हो जाएगी ना भैया, तो यहाँ पर कम भी करा सकते हैं दोस्तों, कम भी करते हैं भैया, ये मालिक हैं यहाँ के, ये भाई साहब। तो आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिखाते हैं, इधर बॉक्स वगैरह दिख जाएंगे जो काफ़ी सस्ते दाम में मिल जाएंगे। थोड़ा और आगे चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग बोलने में थोड़ा शर्म करते हैं या हिचकिचाते हैं, क्या कह सकते हैं उनको, तो आगे चलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अलमारी वगैरह भी दिख जाएंगी आपको, तो जो अभी दिखेंगे उनसे हम पूछते हैं यहाँ के मालिक जो होंगे, तो थोड़ा पहले हम आपको मेला दिखा देते हैं दोस्तों, फिर रेट के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो पार्ट वगैरह के रेट तो आपने को पता ही चल गया होगा दोस्तों, तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पर कि क्या कैसे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम तख्त के बारे में जानेंगे और टेबल के बारे में, मेज़ कुर्सी के बारे में, तो चलते हैं दोस्तों आगे, बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो दोस्तों आ गए हम तख्त के पास, तो यहाँ का रेट जानते हैं, तो तख्त कितने का भैया ये वाला? 3600 का जोड़ा है। अच्छा 2000 का तख्त है दोस्तों, यहाँ पर 3600 का दो तख्त देंगे ये भैया, और इधर 2200 का है। लकड़ी की बात करें तो भैया काहे की लकड़ी है? ये इधर आम वाला सस्ता है दोस्तों, और सिरसे वाला महंगा है, जहाँ की बता रहे हैं 2000 रुपये में, अगर आप डबल लेते हैं दोस्तों तो 3600 रुपये में पड़ेगा। कुछ और भी कम हो सकता है भैया? डिस्काउंट रेट बता रहे हैं, अगर आप आओगे थोड़ा प्यार से मनाओगे तो शायद कम भी कर देंगे भैया। और ये स्टूल वगैरह दिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है, नहीं पूछता। और इधर फुग्गे वगैरह बिक रहे हैं, और गन्ने यहाँ के काफ़ी फेवरेट हैं दोस्तों, गन्ने की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी मिठास हो जाती है गन्ने। भैया के साथ ये गन्ना खरीद रहे हैं बन्ना भैया का, तो चूते हैं इसको और जानते हैं कैसा है। कितने का है भैया गन्ना? है 50 का 2 गन्ना है, थोड़ा सस्ता नहीं लगाओगे? नहीं भाई बता रहे हैं, काफ़ी अच्छा दोस्तों है, तो चलो हम थोड़ा गन्ने का मज़ा लेते हैं, तो उसके बाद मिलते हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों हम आ गए हैं इस तख्ते की दुकान पर, काफ़ी अच्छा तख्ता यहाँ पर बन रहा है। साइज की बात करें तो 3-6, 3-4 तो नहीं दोस्तों, 3-6, 3.5-6, 4-6 ऐसे काफ़ी बड़े बड़े तख्ते हैं, जैसे जो जितना साइज का तख्ता है उस हिसाब से इसका रेट है। तो यहाँ के ये अंकल जी मालिक हैं, इनसे जानते हैं रेट यहाँ का। तो ये अंकल जी यहाँ इस तख्ते के मालिक हैं, तो जानते हैं इनसे क्या रेट है। तो अंकल जी काहे का तख्ता भाई, किस लकड़ी का? आम का है। तो क्या क्या प्राइस है, अलग अलग प्राइस है सबका? जैसे छोटा बड़ा तख्ता से दाम है। अच्छा सबसे कम दाम वाला कितने का है, मिल जाएगा? 3600 का 1600 का है, और सबसे हाईएस्ट प्राइस 2800 का दोस्तों है। तो काफी अच्छा रेट है दोस्तों, यहाँ पर 1600 से तख्ता आरंभ होता है, सब आम की लकड़ी वगैरह है। तो आइएगा अंकल जी से परचेज करिएगा, ये दुनिया का मेला में ये बिकता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं।
देखते देखते यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, कंबल की दुकान है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी है। देखते हैं पूछते हैं क्या रेट है। भाई साहब बता रहे हैं 4000 का ये कंबल है जो इसमें दिखा रहे हैं, तो चलते हैं थोड़ा फ्रंट से देखते हैं और जानते हैं। छत्तीस, तो यहाँ पर 150 से लेके दोस्तों 4500-5000 तक के कंबल और गद्दे आपको दिख जाएंगे। तो सारे रेट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन चलते हैं थोड़ा आगे। भोले की फौज करेगी मौज, पाल पेटीज कर्नर। सुंदर गुब्बारे मिल जाएंगे यहाँ पर खिलौने के रूप में, जो 30-20 रुपये के लगभग हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं हर साइज के हिसाब से अलग अलग रेट है इनका। तो पाल जी ने एक ले लिया है अपनी छोटी सी नन्ही सी बच्ची के लिए, 20 रुपया वाला ये गदा। तो यहाँ पर आपने दुनिया का मेला, जो काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर, काफ़ी सस्ता था दोस्तों। तो हमें तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि हम बचपन से आते हैं यहाँ पर और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर खरीदी, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखी। तो दोस्तों आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा और मेला भी। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो ज़रूर आओ यहाँ पर देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, जैसा कि आपके ही सपोर्ट से हमें थोड़ा अच्छा लगता है और अपना ही प्यार बनाए रखें दोस्तों। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।